पर आप क्या कहना चाह रही हैं? मुस्लिम औरतें हर इक्वालिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भीम आर्मी के साथ हैं, चंद्रशेखर आज़ाद इक्वालिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मोदी जो ब्राह्मणवाद का राज फैला के रखे हैं, वो उनको पसंद नहीं आता है कि एक दलित और एक मुस्लिम इक्वालिटी की लड़ाई लड़े, और बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं हम लोग, प्रोटेस्ट बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पीसफुली कर रहे हैं, तो ये मोदी को हजम नहीं हो रहा है। मुसलमान क्या, जितने भी लोग यहाँ इक्वालिटी के और अपने संविधान को बचाने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर को चाहते हैं, वो सब लड़ रहे हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं लड़ रहे हैं या भीम आर्मी अकेले नहीं लड़ रहे हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ सिर्फ दलित नहीं है, साथ में दलित, ट्रांसजेंडर, क्वियर, हर स्टूडेंट्स और मुस्लिम महिला, मुस्लिम मर्द सब है। पूरे वर्ल्ड में जो जो अभी इक्वालिटी की लड़ाई लड़ रहा है, वो भीम आर्मी के साथ है, और भीम आर्मी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद। तो और इस बार जो रेवोल्यूशन हो रहा है वो औरतें लीड कर रही है, और सिर्फ औरतें नहीं, हिजाबी वुमेन आर लीडिंग द रेवोल्यूशन। दे यूज्ड टू थिंक दैट हिजाब इज अ साइन ऑफ वीकनेस, बट हिजाब साइन नहीं है वीकनेस का, ये हम शाहीन बाग से लेकर घंटा घर तक का सब जगह पूरे इंडिया में प्रूव कर दिया गया है। इस बार क्या होम मिनिस्टर को पीछे हटना पड़ेगा? बिल्कुल हटना पड़ेगा, बिल्कुल हटना पड़ेगा। हम लोग तख्त को पलट के रहेंगे। क्यों नहीं हटेंगे, पहले वो सवाल करो। हम तख्त को पलट के रहेंगे, ताज को उछाल के रहेंगे, मोदी को हटा के रहेंगे, और कड़ी पार जो अमित शाह है उसको भी हटा के रहेंगे। आगे आगे हमें अम्बेडकर से प्यार है, हमें अम्बेडकर से प्यार है, हम गोडसेवादी नहीं, हम अम्बेडकर वादी है। तो जो गांधी के कातिल है, गोडसेवादी है, वो अभी बैठे हुए सत्ता में, हमें उनको निकालना है, उन्हें हटाना है, और अम्बेडकर वादी को बैठाना है। तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ चुके हैं, हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। जो भीमराव अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया था, हम उसको बचाने के लिए, हमारा इंडिया सेक्युलर इंडिया है, जो भीम ने कहा था, जो ड्राफ्ट में भी दिया हुआ है, मगर ये सेक्युलर इंडिया नहीं, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, कुछ दिन बाद हो सकता है क्रिश्चियन कम्युनिटी भी आपके साथ दे। अभी तो उनका कोई ऐसा कोई रैली वगैरह नहीं हुआ है। बिल्कुल सब आएंगे, क्योंकि सब रियलाइज कर चुके हैं, ये अटैक सबकी आइडेंटिटी पे तो हुआ है, और सबसे बड़ा अटैक भारत का संविधान पे हुआ है। हमारा संविधान पूरे इंडिया में सबसे खूबसूरत संविधान है, सबसे खूबसूरत संविधान, उस संविधान को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। आज बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था, जब गोधरा हुआ था तब भी निकल सकते, तब कश्मीर में लॉकडाउन हुआ था तब भी निकल सकते थे, मगर हमने नहीं निकला, क्योंकि अब हम निकले हैं, क्योंकि हमें संविधान को बचाना है। ये हमारा इंडियन वाला लड़ाई है, इंडिया के लिए लड़ाई है, हमें संविधान बचाना है, इसलिए हम अब निकले। संविधान बचाना और हिंदुस्तान बचाना, बिल्कुल सेक्युलर इंडिया बचाना है, तिरंगा बचाना, ये तिरंगा का जो भगवा रंग है, आज के बाद भगवा